बात नहीं। मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं क्योंकि आप भूल गए हो कि वेज वार आपके वॉकेबलरी में दिखाया था वेज वार भूल गए क्या वेज वार जरा चलो तो अब कितना ढूंढू मैं वजीफा अच्छा लाओ वोकेबलरी दो केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स दो केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स ला दो एक मिनट एक मिनट एक मिनट वेज़ कंप्यूटर ने मुझको है फियर और फियर और स्केर तो बताया था फीयर फ्राइडन मजा तो आ गया मुझको तुम लोग की वॉकेबलरी कहां तक हुई थी आ? कहां पे हुई थी कहां तक फ्राइटन वाला हो गया था गेन वाला अचीव वाला एक्सपेंड वाला ड्राउन और सिंह डूबना और डुबाना डूबना और डुबाना ये भी याद नहीं है यहां पर पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पे आओ सभी लोग पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पेज नंबर ट्वेंटी सेवन मिल गया वेज 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 अरे यार पेज नंबर ट्वेंटी सेवन वेज हो गया ना लीजिए सोनिया जी देखिए पेज नंबर ट्वेंटी सेवन ज वार्पेन वेज वार्पेन वार इसमें देख लो पढ़ लो सारा और ऐसा करो कि पंद्रह मिनट इनको अच्छा ये अब इसमें क्या है कि अब देखना यहां ये पढ़ नहीं रहे इसको अब यहां पर वेज वॉट वार, वार दिया है ना तो यहां पर वेजिंग डेली वार ये ऐसे पढ़ा रहा हूं ये क्लोस्ट इसको सारा पढ़ जाओ और पंद्रह मिनट वॉकेबलरी ना दस मिनट इनका ये वाला फटफट फटफट कर कम से कम पढ़ जाओ उसमें सब लिखा हुआ है लेकिन इतने बेवकूफ हैं कि पढ़ते तक नहीं है कि जब पढ़ाएगा टीचर तो पढ़ेंगे इतने हैं। पढ़ डाला। देखो वेजिंग वार अगर ये नहीं कॉम्बिनेशन पढ़ोगे युद्ध छेड़ना तो वेजिंग वार रेजिंग वार नहीं होगा रशिंग वार नहीं होगा वेजिंग वार ये तो कॉम्बिनेशन है ये इसलिए क्लोज टेस्ट पढ़ जाओ ये सारे जो वॉकेबलरी पढ़ाया है ना मैं रोज दस पंद्रह मिनट इसको बता देता हूं अब देखो, द एवरी डे स्ट्रगल ऑफ ट्रैफिक ऑफ डॉजिंग एवरी डे स्ट्रगल ऑफ डॉजिंग ट्रैफिक पॉल्यूशन एंड रश एंड रैश ड्राइवर्स इज डॉज माने बचना डॉज का मतलब होता है बच जाना कोई आ रही है ना चीज आपके पास ऐसे करके डॉज बाउंसर आया ऐसे बच गए डॉज तो डॉजिंग किसको ट्रैफिक को पॉल्यूशन को और रैस ड्राइवर्स रैश drivers का मतलब है केयरलेस लिख लो केयरलेस प्लस डेंजरस लिखो रैश का मतलब है रैश का मतलब है डेंजरसली केयरलेस डेंजरसली केयरलेस डेंजर डेंजरसली केयरलेस है ये डेंजरसली केयरलेस है ये तो डॉजिंग माने अवॉइडिंग लिख लो डॉजिंग का मतलब है अवॉइडिंग ये रोज का रोज क्लोज टेस्ट करा करो दो आपका इंप्रूव हो जाएगा क्लोज टेस्ट डॉजिंग ट्रैफिक पोल्यूशन ड्रेस ड्राइवर्स इज द अब यहां पर सुपर आ रहा है ना तो द आ जाएगा और बोर्डिंग देखो लॉज कितना मैं सही बताता हूं बाबा इसमें आगे लॉज भी दिया है हमारे ये जी जान ही नहीं दे लॉज व्हाट एफआईआर लॉज एफआईआर आई लॉज कराने का मतलब है एफआईआर दर्ज कराना ये लिखा हुआ है तुम्हारा पंद्रह मिनट डेली वॉकअरी बताता हूं मैं कल से पहले क्योंकि पढ़ी नहीं रहा लॉज वॉट एफ स्टॉप होगा नहीं क्योंकि ट्रैफिक पोल्यूशन और रेस ड्राइवर्स को नहीं स्टॉप करेंगे उनसे बचना होता है इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस सबसे द सुपरलेटिव से पहले द आता है मेरे जी बोर्डिंग अब ये भी देगा बोर्डिंग बस या प्लेन बोर्डिंग वॉट बस या प्लेन बस और प्लेन में सवार होना क्या होता है देख लेना अरे मैं कह रहा हूं इसके आंख बंद करके तुम अपना सीपीओ का स्कोर या एसएससी का स्कोर करना चाहते हो तो जो टीचर ये वोकेबलरी कॉम्बिनेशन वाला दे रहा है बोर्डिंग वॉट बस या प्लेन तो सुधार लो बस या प्लेन तो यहां पर हमने देखा कि डॉजिंग बचना ये ये लॉजिंग एफ आई आर डॉजिंग द बिगेस्ट अब सुपर लेटिव के पहले आता है देखो देखा सुन इज़ द बिगेस्ट कॉज सबसे बड़ा कारण कॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस लंबे समय तक चलने वाला क्रॉनिक होता है क्रॉनिक डिजीज ये ऐसे याद करते हैं क्रॉनिक डिजीज मैं भी ऐसे याद करता हूं क्रॉनिक डिजीज का मतलब लंबी बीमारी उसी तरह क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब लंबा तनाव एंड अदर अदर तो ये द आएगा सुपरलेटिव के पहले द आता है और क्रॉनिक डिजीज ये स्ट्रेस का रिलेशन किससे है स्पिरिचुअल या देखो स्पिरिचुअल का मतलब अध्यात्म यस हाँ बोलिए बोलिए आप जानते हैं क्या स्पिरिचुअल क्या होता है बहुत ज्यादा हाँ आस्था ऐसे और सोसाइटल तो सोसाइटी से होगा इकोलॉजिकल एनवायरमेंट से हो जाएगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑन एन एवरेज औसत एवरेज से पहले ऑन आता है याद रखना ऑन एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड्स देखो जो स्मार्ट बंदे होते हैं सेलेक्ट होने वाले ना ये स, अच्छा एवरेज के साथ ऑन आता है वो ये भी देखते हैं जो स्मार्ट बंदे और इसको प्रेपोजिशन की नोटबुक बनवा दिया ना। एवरेज से पहले ऑन आ रहा है लिख लेंगे <laughs> ऐस लिख लेंगे जो स्मार्ट बंदे होंगे पर्सन स्पेंड्स बिटवीन थर्टी मिनट्स टू टू आवर्स ऑफ देयर ड्यूटी ड्राइविंग डे डे ड्राइविंग स्पेंड्स अब देखना अब ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है पापा रुक जाओ स्पेंड व्हाट सुनो स्पेंड व्हाट स्पेंड वॉट थर्टी मिनट्स बिटवीन थर्टी मिनट्स टू टू आवर्स थर्टी मिनट से लेके कर दो घंटे तक स्पेंड करता है ऑफ दैट डेट ड्राइविंग डेड ड्राइविंग की दो घंटे से लेके कर तीस मिनट तक औसत स्पेंड करता है एनी वेयर एवरीवेयर एल्स वेयर नो वेयर नो वेयर का मतलब कहीं यहाँ इसका ये तो समझो और एल्स वेर का मतलब कहीं और लिखते चलो एल्स वेयर कहीं और नो वेयर कहीं नहीं कहीं नहीं एवरीवेयर हर जगह ये एनीवेयर का मतलब है अप्रोक्सीमेटली एनी वेयर का मतलब है अप्रोक्सीमेटली यहां पर समव वेयर होता तो और भी अच्छा होता सम वेयर बिटवीन एनी वेयर गलत है सम आंसर यही होगा लेकिन यहां पर सम वेयर आएगा एनी वेयर गलत है आ जाएगा मेरे जी यहां पर एनी वेयर का मतलब सम वेयर करो ये गलत किया है सम वेयर का मतलब है अप्रोक्सीमेटली जैसे देखो आई इधर देखो आई गेट समर फोर्टी मार्क्स आई गेट समर फोर्टी मार्क्स का मतलब अप्रोक्सीमेटली तो यहाँ एनी गलत है ये आंसर क्वेश्चन ही गलत है इसका आंसर भी गलत है सम होना चाहिए अभी एस ने ये कर दिया तो मैं थोड़ा नहीं कह दूंगा कि एनी का मतलब ये गलत है एनी माने कहीं भी सम का मतलब कहीं कहीं का मतलब कहीं दो से ढाई घंटे के बीच कहीं दो से ढाई लिख लो एनी तो गलत है एनी का मतलब कहीं भी होता है और सम का मतलब क्या होता है कहीं तो कहीं हम ना यूज करते हैं हिंदी में भी यूज करते हैं कहीं पचास साठ रुपए कहीं अस्सी परसेंट कहीं का मतलब या कोई भी बोल सकते समवेयर तो समवेयर का मतलब यहाँ अप्रोक्सीमेटली समझना अब एस एस सी ने इसको गलत को ही सही दे दिया तो इसका मतलब थोड़ा कि मैं भी सही कर दू एसएससी को इंग्लिश वो थोड़े नहीं है तो समवेयर का मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली समवेयर आना चाहिए ठीक है दैट्स इट फॉर टुडे नमस्कार कल फिर